आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। बहुत लोगों ने कमेंट में लिखकर भेजा है कि मैम आप छोले बताइए कि आप छोले कैसे बनाते हैं, तो इसलिए आज मैं आपकी फरमाइश पे छोले बनाने जा रही हूँ। छोले बताऊँगी कि कैसे बनते हैं। एक बाउल हमने छोले लिए हैं और एक चुटकी खाने का सोडा, एक चौथाई चम्मच हमने काला नमक, एक चौथाई चम्मच सफ़ेद नमक और दो टी बैग। इन छोलों को हम 4-5 घंटे के लिए भिगो देते हैं। ये हमने जो एक कटोरी छोले लिए हैं तो इनको हम 4 कटोरी पानी डालकर भिगो देंगे। इन छोलों को हमने 5 घंटे भिगो लिया है। ये देखिए हमारे छोले मोटे हो गए हैं भीगने के बाद। अब इनको हम उबलने के लिए रख देते हैं। हमने एक कुकर ले लिया है, इसके अंदर ये छोले हम इसी पानी में जिसमें हमने भिगोए थे उसी पानी के साथ हम इनको डाल रहे हैं। और ये जो हमने एक चुटकी खाने वाला सोडा लिया था ये भी हम इसके अंदर, ये काला नमक, ये सफ़ेद नमक, दो टी बैग, इन सबको मिलाकर हम उबलने के लिए रख देते हैं। हमें 2 सीटी आने तक या 10 मिनट तक इनको उबालना है। गैस हम ऑन कर देते हैं। हमारे छोले को 10 मिनट हो गए हैं उबलते हुए और ये हमारे छोले उबलने के बाद ऐसे हो गए हैं। आप देखिए ऐसे हो गए। ये जो हमने टी बैग डाले थे इनको हम निकाल देते हैं। हमने दोनों टी बैग निकाल दिए हैं। अब आगे की तैयारी करते हैं हम इन्हें बनाने की। हमें छोले बनाने में ये सामान की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने ऑयल लिया है, एक कटोरी से थोड़ा कम है, और ये हमने चना मसाला लिया है 2 चम्मच, 2 ही चम्मच हमने कस्तूरी मेथी ली है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/2 चम्मच भुना जीरा और 3 चम्मच हमारी ये पिसा हुआ धनिया। और मैंने 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक हमने उबलने में डाल दिया था, इसलिए 1/4 चम्मच हमारे बचे हुए हैं। ये अब हम यूज करेंगे। ये मसाले अब हम छोले बनाने में यूज करेंगे। 2 टमाटर, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लंबी शेप में और हरी मिर्च भी लंबी शेप में, धनिया भी हमने काट लिए, ये सारी चीज़ें काट ली हैं जो हमें छोलों में यूज करनी है। हमने ये एक खाली बाउल लिया है, इसके अंदर सारे मसाले हम यूज करते हैं। ये हम 3 चम्मच धनिया पाउडर, चना मसाला, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, सफ़ेद नमक, काला नमक, लाल मिर्च और भुना जीरा, और ये कस्तूरी मेथी है जिसको हम हाथ से मैच करके इसके अंदर ऐसे करके आप डाल देना। ये सारी मेथी हमको इसमें ही ऐड करनी है। गरम मसाला मैं घर का ही यूज करती हूँ, वो आपको मैं किसी दिन बताऊँगी कि उसमें क्या क्या सामान यूज होता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और आप नमक अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, मिर्च, बच्चे ना खाएं तो हरी मिर्चें नहीं भी डालें। अभी हमने छोले गैस पे नहीं रखे हैं। ये जो हमने 2 टमाटर काटे थे ये इनके अंदर अब हम ऐड कर देते हैं, और ये मिला हुआ जो मसाला है हमारा ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। पूरा मसाला हमको इसके अंदर ही ऐड करना है। इस तरह से आप सारे मसाले को इसके अंदर ही ऐड कर दें। आप इसके अंदर आलू तलकर भी डाल सकते हैं, पनीर तलकर भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ लेकिन आप डाल सकते हैं यदि आपको पसंद है तो। हमने मीडियम गैस पर एक पैन रख दिया है और इसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं। ये जो हमारा ऑयल था एक कटोरी, ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जब हमारा
ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हरी मिर्चें और जो हमने अदरक काट के रखा हुआ था वो इसके अंदर डालेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देते हैं। इनको हम हल्का सा भूनते हैं। अब हम इसमें अदरक भी डाल देते हैं और इसको भी हल्का सा भून लेते हैं। ये छोले आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खाएंगे, आपको अच्छे लगेंगे। आप जब भी अपने घर में बनाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे बनाए हुए छोले या आपने जो बनाए हैं वो आपको कैसे लगे। ये हरी मिर्च और अदरक जो हमने फ्राई करी है ये अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं छोलों के अंदर। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए गैस पे ढककर रख देते हैं। केवल 5 मिनट के लिए आप इसको ढककर रख दें। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने छोलों को देखते हैं कि हमारे छोलों में मसाले मिक्स हो गए हैं या नहीं। देखिए हमारे छोलों में पूरी तरह से मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और इसको भी हम मिला देते हैं। अब देखिए हमारे छोले बिल्कुल तैयार हैं। यदि आपको मेरे बनाए हुए छोले पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना। अब हमारे छोले खाने के लिए तैयार हैं। खाइए भी, खिलाइए भी, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।